शहर शहर धूम मचाने के बाद एक बार फिर आ गया आपके शहर में सिवान में जाना पहचाना डिज्नी लैंड मेला 4 बजे शाम से रात्रि 9:30 बजे तक मनोरंजन का भरपूर इंतजाम। पूरे परिवार के साथ आइए डिज्नी लैंड मेला और खाने पीने से लेकर झूला का आनंद उठाइए। साथ ही साथ करें हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आइटम की खरीदारी। फ्रिश बी, स्कॉर्पियो, जंपिंग और मिकी माउस का उठाइए आनंद। सिवान के सर्कस मैदान फतेहपुर सिवान। चौल से पलनवा थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव निवासी अरविंद कुमार पांडे, जो 150 बटालियन CRPF में कार्यरत थे, जिनकी ड्यूटी छत्तीसगढ़ में थी, ड्यूटी के क्रम में ही अचानक गोली चलने से अरविंद कुमार पांडे की मौत हो गई। यह अभी तक साफ नहीं हुआ है कि अचानक गोली कैसे चली और कैसे लगी। शहीद अरविंद कुमार पांडे अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसे। इस घटना को लेकर उनके परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उनकी पत्नी पर 3 बच्ची की जिम्मेवारी और वह अकेले कैसे उठाएगी, यह अब लोग सोच रहे हैं। CRPF के DIG DK त्रिपाठी का कहना है कि 150 बटालियन के छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे, ड्यूटी के लिए पार्टी तैयार थी और उसी समय बाहर पार्टी खड़ी थी और उसी समय अचानक एक फायरिंग होता है। फायरिंग में गले से एक साइड से लॉकर दूसरी तरफ से निकल गई। जल्दी जल्दी में वहां के जवानों ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में ही उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। ATN लाइव के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। हट ना ठीक बा। कुछ हो गया तो हो गया।
अपना 150 बटालियन में अरविंद कुमार पांडे जी का नाम ले रखा है और परसों घटना है। परसों दोपहर में पार्टी कंपनी की तैयार हुई बाहर ड्यूटी जाने के लिए और जब बाहर लड़के खड़े थे अचानक से जो है एक फायर हुआ है, एक ही सिंगल शॉट और उनके गर्दन में लगा है और दूसरी साइड से निकल गया और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। तुरंत क्वार्टर बटालियन खबर किया गया, इनको ले जाया गया नियरेस्ट हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए। ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, वहाँ पहुँचते पहुँचते ये अंतिम सांस ले चुके थे और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग इनके पूरे परिवार के साथ हैं, हम अपने बच्चों से भी मिले हैं, माइनर बच्चे हैं। सरकार की तरफ से जितनी भी मदद अमूमन जितनी भी मदद है वो पूरी दी जाएगी। उनको जो ड्यूटी पे डेथ होने के कारण जो पेंशन मिलती है पारिवारिक पेंशन वो मिलेगी, उसके अलावा उनका जो GPF का है इंश्योरेंस का पैसा है, SBI की तरफ से PMSP अकाउंट का इंश्योरेंस का होता है वो एक्सीडेंटल डेथ में या इस तरह से जो घटना होती है उसमें देते हैं। उसके अलावा एक्सप्रेसिया भारत सरकार का 25 लाख रुपया है वो भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से 70 से 80 लाख के बीच में अमाउंट बनेगा और मेरी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इस तरह की घटना यूनिफॉर्म सर्विस में होती रहती है, लेकिन इसके कारण ये तो बिल्कुल सही है कि छतपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन अब चलता रहता है लड़ाई तो जंग जारी रहती है। LWE के साथ जो चल रहा है वो उसमें अभियान में कोई कमी नहीं होगी बल्कि मोराल में कोई कमी नहीं होगी और मैं मृत आत्मा को ईश्वर से बोलूंगा तो उनको अपनी चरणों में निवास दें, शांति दें। धन्यवाद। किस बटालियन में? 150 बटालियन। 150 बटालियन मैं DK त्रिपाठी DIG CRPF मुकामा घाट में मैं पोस्टेड हूँ। उप सेंटर है CRPF का, मैं वहीं पर।